जिस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और जो वीर के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे है, इसी सिस्टर बता रही के 10 साल से इनके किडनी में इन्फेक्शन थी और जिसके कारण इनको बाथरूम में पस आती थी, और जी 10 साल से बहुत परेशान थे और जो मेडिसिन भी खा रहे थे, बहुत सारी जिस सिस्टर ने मेडिसिन खाई, और जो बता रही कि मैं बहुत परेशान रहती थी इस प्रॉब्लम से, और जैसे जी इस संडे की मीटिंग में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रेयर कर रहे थे और इनके लिए घोषणा हुई कि किसी के किडनी में रेशा आए और आज वो इस प्रॉब्लम से फ्री होने वाले हैं और उनको बाथरूम में पस भी आती है। और जैसे ही ये क्वेश्चन आई जिस सिस्टर ने रिसीव किया, सबसे पहले हमें पस किस कैसी पस आती थी नहीं कैसी पस थी वाइट चिट्टे कलर की। हाँ, तो ये बताऊं, पस आती थी और आपको वाइट कलर की बाथरूम में रेशी जैसे वाइट कलर की पस बाथरूम में आती थी। हाँ, अब बताओ। और हम सबसे पहले हम इस क्लिप को देखते हैं। किसी की किडनी में रेशे को रेशा है, उसकी किडनी में भी रेशा और वो उसके बाथरूम से पस आती है वाइट जैसे। मैं उसे हील होते देख रहा हूं। आपकी किडनी में रेशा है और आपके बाथरूम में वो पस आती है वाइट कलर जैसी। अब जब वॉशरूम जाते हो तो वो पस आ रही है और उस बीमारी से बहुत परेशान हो। मैंने कहा आप उस बीमारी से बहुत परेशान हो, आप जो कोई भी हो, जहां पे हो, मैंने कहा आपकी किडनी में रेशा है और आप बाथरूम जाते हो और पस आ रही है। खुदा का आत्मा आपको शूर आ रहा और आप हील हो रहे हो। मैंने कहा उसका आत्मा आपको शूर आ रहा, आप हील हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उसका आत्मा आपको शूर आ रहा, आप हील हो रहे हो और आप गवाही से आओगे। मैंने कहा आप गवाही से आओगे। मैंने आपकी नलों के पास एक हफ्ता हो चुका है कि जिस प्रॉब्लम से टोटली फ्री हो चुके हैं। जो 10 साल की प्रॉब्लम थी, जो बहुत सारी मेडिसिन भी खा चुके थे फिर भी अच्छी नहीं हुई, आज ये बहुत खुशी की परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया है। और सुनो जी, ये छोटी बात है, बताऊं ये छोटी बात है, 10 साल से ये प्रॉब्लम थी। हाँ, आपको पता कि किडनी का रोग एक ऐसा रोग है, किडनी के रोग वाले बहुत से रोगी हैं जो बचते नहीं। मैं सच्ची कहता हूं कि मैंने बहुत से किडनी के रोग जिन्हें किडनी का रोग हो जाता है, मैंने डेथ होते हुए देखा है। मैंने क्या देखा, उन्हें डेथ होते। पर जब आपका भरोसा, आपका ईमान, आपका विश्वास किस पे बना रहता है, कैसे बना रहता है, और ये आपको कितना टाइम हो गया प्रभु में आई? पापा जी, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, और ये चीज आप 1 साल से आप विश्वास कर रहे थे, 1 साल से विश्वास कर रहे, विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर आप मुझे फ्री कर चुके हो। मेडिसिन तो खा रहे थे पर उससे आप हील नहीं, पापा अच्छे नहीं। मेडिकल छाड़ती, अच्छा मेडिसिन आपने फिर छोड़ दी पापा। फिर आप विश्वास में, 1 साल से विश्वास में बने हुए थे कि परमेश्वर आप मुझे अच्छा करो। और ये कब अपनी, ये किस मीटिंग की में? पिछले संडे में। हाँ, और पिछले संडे खुदा के आत्मा ने आपके लिए बोला और आपने रिसीव किया। हाँ, और इसके लिए आपने कभी मेरे से शेयर किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है? नहीं पापा जी, नहीं किया। देखो परमेश्वर कितना महान है। हाँ, क्योंकि वो आपकी, जब आप पूर्ण मन से भरोसे में, उसके विश्वास में बने रहते हो उस चीज के लिए, तो परमेश्वर महान है और आपके मनों को जानता है और वो आपके लिए बोलता है। कैसे बोलदा कैसे गाकर खुदा की महिमा करेंगे। हाँ, जल्दी से हाँ, बोलदा थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा, नस जांदा है शैतान जदों यीशु बोलदा।
ओ थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा थम जांदे ने तूफान जदों यीशु बोलदा आमीन हालेलुया। कौन बोलदा? मैंने कहा कौन बोलदा? कौन नस जांदा है? कौन भज जांदा है? क्योंकि बीमारी देने वाला कौन है? बोलो कौन है? और जब आपके लिए कौन बोलता है फिर वो कहां पे जाता है? हाँ, वो नस जाता है। हाँ, आपकी बॉडी को छोड़कर वो चला जाता है और आप फ्री हो जाते हो। जैसे ये मेरी बहन होगी, हाँ, क्योंकि ये अपने विश्वास में बनी रही। क्योंकि बहुत से लोग हैं, जब ये देखो एक साल से चीज के लिए विश्वास कर रही, हाँ, पर कई लोग इतना टाइम टिकते नहीं, वो अपना मन पता नहीं कहां कहां पे लगाते हैं। पर इसने अपना मन किस पर लगा कर रखा? किस पर लगा के रखा? अगर इसने ऐसा किया, किसने इसे फ्री किया? बोलो, किसने इसे फ्री किया? इसलिए कहते ना, सही टाइम द बेस्ट टाइम, सही टाइम द बेस्ट टाइम। और खुदा ने इसके लिए बोला और सही टाइम पे इसे फ्री किया। तारीफ करो, तारीफ करो। आमीन।